सर डायनामेटिक देखिए, देखिए रिसेंटली डाउनसाइड से एक बेस बनाया, एंड अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे कि बहुत ही नीचे आ रहा था, उसके बाद कंपनी ने एक हाई लगा के फिर से एक नीचे ना ऑलरेडी बेस बनाया एंड ऑलमोस्ट नियर टू डबल बॉटम के पास है। सो मैं उनको कहना चाहूंगा यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया, यहाँ पे नियर टू डबल बॉटम है। लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 2646 से नीचे आया था और अभी 2635 चल रहा है। सो एट फर्स्ट नीड ए क्लोजिंग अबव 2680, 2680 इसके ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए, तो इसके बाद इसमें मोमेंटम आएगा। एंड अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आप ऑलमोस्ट 2350, 2350 ये आपका शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टेड करके हो इस रखे हुए हो तो इस काउंटर में, तो 2350 इज ए बेस्ट स्टॉप लॉस फॉर यू। जी, तो ये थी राय डायनामेटिक के ऊपर, सर ने बता दिया है।